नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीपीसीएस 2018 का एग्जाम अभी तक टेंटेटिव डेट है 24 जून। अगर मान लीजिए आप इस डेट में भी एग्जाम हो गया तो उस हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये कि एग्ज़ाम ही पोस्टपोन होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करीबन 70 डेज की स्ट्रेटजी, आज से लेके, अगर आज से मतलब 2-3 दिन आप लोग थोड़ा सा आराम करके और सब सोच समझ के भी ले लें, तब भी 70 दिन अगर आप दे दें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी भी वो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ आपके हाथ में है। बस आपको मेन काम क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको डेडिकेटली, रिलीजियसली, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसको। अब देखिए, एक बात यह है कि ये मैंने कुछ बुक्स बताई हैं सब्जेक्ट वाइज, ये आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें से साइंस वाली बुक नहीं लिखी है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए, हिस्ट्री की अगर आप बुक की बात करें, पहली बात तो सिर्फ 15 दिन में आपको हिस्ट्री कवर करनी है और सिर्फ 3 बुक पढ़नी है, बस यही 3 बुक पढ़नी है। एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये 3 बुक काफ़ी हैं, अपने आप में काफ़ी सफिशियंट है। देखिए, आपको पढ़ना कैसे है मैं बता दूं आपको। जब आप एंशियंट की आर एस शर्मा पढ़ना चालू करेंगे तो उसमें करीबन 28 चैप्टर हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टार्टिंग से आप करेंगे तो पहले एक रीडिंग आप मारते जाएंगे, एक रीडिंग आपको मारनी करीबन 2 दिन के अंदर, ठीक है। फिर जब दोबारा आप इसको पढ़ेंगे तब इसमें नोट्स बनाते जाएंगे, और नोट सिर्फ फैक्ट फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ाएं बताएंगे, क्योंकि हर चीज़ आप नोट्स में नहीं बता सकते। मान लो जैसे एंशियंट में जो ये नास्तिक वाले कौन कौन से थे, ये आस्तिक वाले कौन कौन से थे, वेदा में कौन कौन बिलीव करता था, प्लस जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं वो सबके आप नोट बना लीजिए। इंडस वैली की कौन कौन इंपॉर्टेंट साइट हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री में आपको करना है, सतीश चंद्रा की बुक है, इसमें 3 दिन में एक बार मेरे पहले पूरी रीडिंग मारनी है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट होने चाहिए कि किसको कौन सी उपाधि मिली, और मतलब अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा जो की वर्ड्स हैं, जिसमें बीच बीच में थोड़ा हाईलाइट करके लिखा होता है या फिर कोई अलग सा इटालियन करके उसको लिख देते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर बचा मॉडर्न, ठीक है। 15 दिन में अगर आप देखें तो मॉडर्न में आपके पास करीबन 7-8 दिन बचेंगे, तो स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़िए। स्टार्टिंग के जो आपके चैप्टर है वहाँ तक, जहाँ तक 1947 की आज़ादी तक जो मिली है वहाँ तक तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठीक से पढ़ना है। फिर बीच बीच में कुछ चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी वाला और वो सब चीज़ें, वो छोड़ के लास्ट में जो आपके मूवमेंट्स वाले हैं, पेजेंट मूवमेंट, ठीक है, जो ये आपके डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, और जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में 20-25 पन्ने दिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। जैसे कांग्रेस के कौन कौन से सेशन में कौन कौन प्रेसिडेंट था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उनका कौन कौन राइटर था, इंपॉर्टेंट जो आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है उसको किसने चालू किया, ये सभी चीज़ें ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो करीबन आप 12-13 दिन के अंदर पढ़िए और फिर 2 दिन के अंदर पूरे नोट बनाइए इसके। और देखिए, नोट्स तो आपको कई जगह से मिल सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, बहुत सारे मैंने नोट्स अच्छे भी देखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर आप अपना खुद पढ़ के बनाएंगे तो वो नोट्स आपके बेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपने बनाया, आपको समझ में आता है सब कुछ। तो पहली बात तो ये करना है। अब देखिए, इसकी पहली बात तो ये कि अगर कोई हमारा पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करा हुआ है, मैं इन तीनों की पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम में दे दूंगा। तो जो वो जितनी भी है ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक है या फिर जो भी है वाली बुक है, ये सब की मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये आप ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चालू करते हैं फिर पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत 15 दिन में आराम से फिनिश हो सकती है। देखिए, जो इसमें शुरू के चैप्टर हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक पार्लियामेंट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट लेजिस्लेचर वाला इंपॉर्टेंट है, और प्लस जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट है। देखिए, शुरू के चैप्टर करीबन आप देखेंगे तो 50-60% तो मैं इसको वीडियोज़ में ही कवर कर चुका हूँ, तो वो आप कर लीजिएगा। और प्लस लक्ष्मीकांत के मैं बाकी भी यूपीपीसीएस 2018 से पहले इसको पूरे जितने चैप्टर बचे हैं सब मैं फिनिश कर दूंगा। अभी पार्लियामेंट का एक पार्ट दिया था मैंने, काफ़ी बड़ा सा, 2 पार्ट उसके और बचे हैं, वो दे के पूरा पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा, और उससे पहले मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी सब बता चुका हूँ। ये सब एक वीडियो लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 15 दिन के अंदर ये हो सकती है पूरी तरह से। लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, आप नॉवल की तरह पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए देखिए, एनसीईआरटी तो सिर्फ एक बहुत बेसिक ओवरव्यू लेना है, बस एक बार पढ़ना है ऊपर ऊपर से कि क्या होता है, जैसे जीडीपी में क्या डिफरेंस है, जीएनपी में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन क्या होता है, समझने के लिए कि क्या क्या होता है ये। वैसे एक बात बताऊँ अगर आपको मैं,
मैं किसी को वैसे नहीं मतलब रिफ़र करता हूँ, लेकिन इकोनॉमी के लिए एक मृणाल करके चैनल है यूट्यूब में, उन्होंने जो एनसीईआरटी का प्लस बेसिक टर्म बताए उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता इकोनॉमी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी में आपका आएगा यूनियन बजट और यूपी बजट। यूपी बजट का मेरा एक वीडियो है, उसी में हो जाएगा कवर, और यूनियन बजट का भी मैं करवा चुका हूँ पूरा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, यूपी पीसीएस में इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता चुका हूँ। प्लस मैं यहाँ पे टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्री वाले जितने भी मैं कर पाऊंगा करूंगा, वैसे तो मैं पेड ग्रुप में सब कुछ कराऊंगा ही। मेनली ये जो मैं बता रहा हूँ ये पेड ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है, और मतलब ये वाला फ्री वाले भी लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उस ग्रुप से और भी पीडीएफ डाउनलोड करके कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम 2017 से लेके अभी तक की पढ़नी है, मैंने लास्ट के 9 महीने का एक वीडियो बना के पीडीएफ बना के दे चुका हूँ मैं। मिनरल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा वो लेटेस्ट अपडेट कर चुका हूँ, वीडियो हो चुका है उसका। यूपी सेंसस इंडिया सेंसस का पूरा वीडियो हो चुका है, एक दिन में कवर हो सकता है। इकोनॉमी 15 दिन में आपको कवर करनी है। ज्योग्राफी में देखिए मेनली तो आपको 9th 10th 11th 12th की वाली बुक पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की। 6 7 8 का भी और भी पढ़ सकते हैं आप, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लानट जी के और ये सब दिया हुआ है। वैसे आपको बताऊँ अगर एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10 तक तो मैंने पूरे वीडियोज ही बना चुका हूँ, आप वही देख लोगे एक बार और एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, 2 दिन में ही खत्म किया जा सकता है आराम से। और प्लस जो मेरे वीडियो और नोट्स होते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो टेलीग्राम में शेयर करता रहूँगा। ये देखिए ये फ्री वाला ग्रुप है, अगर आपको पेड वाला अभी से ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। पेड वाले में मैं क्या करूँगा, क्रैश कोर्स चलाऊंगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से लेके लास्ट तक हम लोग रिविज़न करेंगे डेली डेली डेली, और प्लस टेस्ट सीरीज़ करेंगे हर 5 दिन में करीबन। ठीक है, तो वो क्रैश कोर्स होगा, लेकिन अगर आप अभी से एडमिशन ले लेंगे हमारे पेड ग्रुप में, ये है उसका व्हाट्सएप नंबर 7838692618, तो आपको अभी से क्या होगा आपका, अभी देखिए मैंने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अभी तक मैं महीने में 2 लेता था, अभी मैंने 15 दिन का प्लान दिया है उसमें 3 टेस्ट हैं, तो मतलब अगले महीने से करीबन 5 टेस्ट होंगे, तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसमें रीजनिंग का और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो यूट्यूब में ऐसा है कि मतलब मैं पूरे कोशिश तो करूंगा कि यूट्यूब में भी वीडियो डाल दूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर टेस्ट अब जो पेड वाले लोग हैं उन्हीं के ग्रुप में होंगे, 5 में से 1 2 3 टेस्ट मैं यूट्यूब में भी करवा दिया करूंगा हालांकि। तो ये अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ये क्रैश कोर्स का, तो आप अभी वेट ना करो उस दिन का, अभी से ही कर लो। ठीक है, यूपी स्पेसिफिक और हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे ये जो भी आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ है। यूपी की जीके के, यूपी के करंट अफेयर के लिए देखो मेरे वीडियो ही हो जाएंगे, उसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है और कुछ। यूपी की जीके के लिए एक बुक आती है परीक्षा वाली, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना मैं उसकी पीडीएफ यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, ये वाली पीडीएफ फ्री रहेगी। उसके अलावा बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मेरे वीडियो मैंने बता चुका हूँ, सब कवर्ड है उसमें। प्लस करंट अफेयर के लिए अगर आप विश्वास करते हो यूपीपीसीएस के लिए, मेरे वीडियो देख लेना पीडीएफ, कोई बुक और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी लास्ट के 2018 के लिए, सब कुछ वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। हाँ ये ज़रूर है कि जो लोग जैसे 2019 की तैयारी कर रहे हैं डेली की, लेकिन शॉर्ट ऐप आती काफ़ी अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल मिला के 70 दिन की स्ट्रेटजी है। अब इसमें एक चीज़ और है कि एक होता है साइंस, साइंस के लिए एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10 तक की आपको बुक पढ़नी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे उसमें रिएक्शन वाली वो चीज़ें दी हुई हैं बीच बीच में चैप्टर, मैंने पेड वालों में इसीलिए मैंने पॉइंट आउट करके दे देता हूँ कि ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर हैं, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चैप्टर, वो सभी पढ़ने हैं। 11th क्लास में जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है वो पढ़ने हैं, ओजोन लेयर से रिलेटेड हो गए, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गए, वो सब वाले पढ़ना है, साइंस उससे कवर हो जाएगा। हालांकि साइंस के लिए लूसेंट की भी बुक आती है, लूसेंट की जो साइंस वाली बुक है उससे काफ़ी कुछ कवर किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यूपी पीसीएस जो 2018 वाला है यूपीएससी के पैटर्न पे होने वाला है, इसलिए फोकस इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे रहेगा, और 2017 का हमने पेपर भी देखा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए। देखिए ये मेरा बस एक गेस था कि इस हिसाब से आपको करना है। अब देखिए यूपी पीसीएस 2018 का जो पैटर्न है दो यूपीएससी के पैरेलल होने वाला है, ठीक है, तो प्रीलिम्स तो सेम ही रहेगा, प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा, तो मैंने अभी प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से बताया है आपको। ठीक है, और ये एक बात और है कि जो सी सेट है सी सेट में भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि कई सारे लोग सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं यूपीएससी का, तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन यूपीएससी में यूपी पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो सी सेट में इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, ठीक है, और प्लस आपका रीजनिंग भी आएगी। तो मैं अपने जो पेड ग्रुप में अब टेस्ट लेना चालू करूंगा, ये महीने में करीबन 5 टेस्ट होंगे, और
उसमें मैं रीजनिंग भी अब इंक्लूड करूंगा, ताकि क्योंकि कई बार लोग रीजनिंग में फंस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और प्लस इसमें टेस्ट सीरीज है, देखिए यूट्यूब में जो लोग फ्री में फॉलो कर रहे हैं उनको भी मैं करीबन महीने में 5 टेस्ट कराऊंगा, तो कम से कम 2 या 3 टेस्ट उनको भी यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। लेकिन सब कुछ यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता है। देखिए कई बार मुझे कुछ डेटा मिलता है, नोट्स मिलते हैं, वो मैं पेड ग्रुप में तुरंत शेयर कर देता हूँ, और ये फ्री वाले जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शेयर रहेंगे। तो आप लोग पेड भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो फ्री भी कर लीजिए। जो लोग फ्री वाला ग्रुप भी ज्वाइन करे हुए हैं उनको भी पता है मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ, आप अगर इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी UPSC 2017 सॉरी 18 के लिए। अभी जब ये फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे। देखिए अगर मेंस का पैटर्न मान लीजिए ऐसा हुआ कि GS 1 2 3 4 UPSC की तरह कर दिया, तो फिर तो डिस्क्रिप्टिव वाली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि इतनी जल्दी प्रीलिम्स होगा तो प्रीलिम्स से पहले तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो जो ये मेरा ग्रुप है ये UPPCS 2018 के मेंस तक का ग्रुप है, या फिर मेंस तक का या फिर दिसंबर 2018 तक ये ग्रुप चलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद हम लोग उसमें पूरी राइटिंग प्रैक्टिस और बाकी सब करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और व्हाट्सएप का नंबर आपका है 7838692618। क्रैश कोर्स का ज्वाइन करने से बढ़िया है देखिए आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग अभी से ज्वाइन करेंगे मैं उनको क्रैश कोर्स में जो भी बेनिफिट होगा वो वैसे भी उनको इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो आपके पास तो बता दीजिएगा। वैसे जो लोग फ्री वाले हैं उनको जो भी मेरी PDF है, मतलब देखिए सब PDF तो मैं नहीं दूंगा जो बात साफ है, लेकिन जो भी ओल्ड NCERT वाली लक्ष्मीकांत की प्लस बाकी जो कुछ अच्छे नोट्स हैं वो सब मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो वो जो बेसिक बुक्स हैं वो सभी की PDF मैं शेयर कर दूंगा आपको यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।